बड़ो बहू। बुआ जी आप मन्ने यहाँ क्यों लाए हो? अरे यू ब्यूटी पार्लर से या छोरियों को सुंदर बनाया जाए से, चल। कैची है? कैची क्यों? इधर देख। साफ साफ बोल क्या छुपा रही से? ये कौन सा नया कांड किया तुम्हें? अरे यो के किया तूने? अपने बाल कटवा दिए? बड़ो थारी पीछे छुप छुप के क्यों आ रही है? ऐसे मन कुछ गड़बड़ लग रही है, यो कुछ छुपा रही है मारे ता थारे ता। ये मानती, ये देख तेरे बहू ने बाल कटवा दिए। अगले हफ्ते बड़ो बहू में देखिए। पूरे परिवार के सामने बड़ों के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बड़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत? अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बड़ो। ये सुनकर बड़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटो की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बड़ो को करी। ये फोटो जो है सही से या ना? हाँ भाई जी, ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची से। अरे इसका आशिक जो है ना बनु है ना घुसिया है घर में, मारे घर की बेदी भी शामिल से इसमें। मारे को यूँ ना समझ में आ रहा है कि अपने घर में कौन है ऐसा? तेरी लाडली बहू। अरे माँ कैसी है आप? अरे कैसे ही टाइम पे फोन किया है? ये बेबी बड़ो और छोटू की तो ऐसी बैंड बजी ना कि आप पूछो मत बस। अरे ओ राजधानी एक्सप्रेस, मारी बात भी सुन ले जरा। यहाँ गुसल खाने में पिसल के मारी तो कमर ही टूट गई। तू ऐसा कर, तू जल्दी से आ जा इधर। ठीक से माँ, आप आराम करो, मैं भी आती हूँ। ठीक से। अरे क्या हुआ, आप माँ से अचानक ऐसे चली गई? अरे राणा जी वो के है ना, माँ की तबीयत थोड़ी खराब से, तो मारे को भी जाना पड़ेगा। क्या हुआ? वो के है ना, वो गिर गई से, उनके कमर में चोट आई से। तो ठीक है चलिए आप, मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। अरे ना 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 राणा जी, आप ना यही सगाई में रुको, मैं भी जाके आती हूँ। नहीं हु? लेकिन आप अकेले कैसे? कोई बात नहीं राणा जी, आप रुको मैं जाके आती हूँ। चलो मैं अभी ड्राइवर से बोलता हूँ, आपको छोड़ के आएगा है ना? जी ठीक है ना, ध्यान से जाना। हाँ आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? मैंने कहा था ना छोटे बॉस से दूर रहो, यो घर से दूर रहो, आसपास भी मत भटको। आपकी वजह से छोटो बुआ की सगाई में इतनी बड़ी अड़चन आ गई, शर्म आनी चाहिए आपको। इतने वक्त बाद इस घर में जो भी खुशियां थी सब बर्बाद हो गई है, और सिर्फ आपकी वजह से। निकलो यहां से, इप्पी के भी बाहर निकल जाओ। कोमल ये क्या बदतमीजी, और वो भी दामाद जी के साथ? क्या हुआ राणा जी, परेशान लग रहे हो आप? पिंकी जी मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मेरी माँ को गुमराह किया किसने? गुमराह मतलब कैसा बावला फोटो खींचने वाला था वो जिसने फोटो खींची? अरे उसके अंदर फूफा जी की शक्ल ही नहीं दिख रही। अरे अगर उस फोटो में फूफा जी की शक्ल होती तो माँ पहचान जाती कि वो फूफा जी है, और इतना बड़ा जो तांडव महाभारत घर में हुई है वो होती नहीं। और कसम खाते हैं पिंकी जी आपकी कि जिसने भी ये हरकत की है ना, अपने हाथों से उसका सर तोड़ के दोनों आंखें फोड़ दूंगा, ताकि आज के बाद वो किसी की गलत तो क्या सही फोटो भी नहीं ले पाएगा। अरे राणा जी आप ऐसे कैसे बोल सको? मतलब
तुम्हारा मतलब है कि अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो और यूं सब फिजूल की चीजों में क्यों खून जला रहे हो आप अपना? माँ जी मैं सही ना कह रही हूँ, बताओ आप, बताओ जरा इन्हें। ओ भाई मेरी बात सुनो, तू ध्यान दे, यो जो तेरा गुस्सा उफन उफन बाहर आ रहा है ना, इसने बाहर अखाड़े में दिखाई है पहलवानों के सामने, आगे बात समझ में तेरी। सारा काम पड़ोस ही करवाना चाहे ओके? मैं तो ये भी सारा घर का काम निपटा दी, पर यो बड़ो है ना ये कुछ करण ही ना देती। मतलब यो से कि बड़ो ने आप सबकी आदत बिगाड़ रखी से, अब तो बड़ो को एक और काम करना होगा कि आप सबकी बिगड़ी आदत सुधारना होगी। बड़ो अब अपनी सास और ताई जी सास को बता कि इनके जिम्मे कौन कौन से काम आवे और मैं देखती हूँ कौन अपनी जिम्मेदारी से भागे। बंदूक बंदूक क्यों दिखा रहे? इस साध्वी को अंदर ले लो। साध्वी माँ तो सच में नहीं, तुम्हें तो लेके गई उन्हें। काका हमारे साथ कहीं नहीं गई है साध्वी माँ। देखिए अगर तुम साध्वी माँ को नहीं लेके गई थी तो फिर कौन लेगा? मौत का स्वाद चखने के लिए तैयार हो जाइए साध्वी माँ। अब क्या हुआ? बाहर राम नहीं है काकी। अरे माँ को मेरी बात तो सुनो, खीर तो खाते हुए जाओ। प्रभु कईयों ने ग्वाल बालों की रक्षा तो कर ली, किंतु नंदलाल वे तो अब भी खीर के पास हैं। यदि उन्होंने पूतना की विषैली खीर खा ली तो तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं चलोगी? नहीं जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद है, वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा तो सबको पसंद होता है, मैं भी तुम्हारे लेके आया हूँ। तो बाबूजी मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। इस पे डैड के दिल्ली के बिजनेस के सारे अकाउंट्स के पेपर्स थे। इंपॉर्टेंट पेपर्स की जिम्मेदारी सुमन को कैसे दे सकते हो? कभी मासा की दवाइयां रखकर भूल जाती है और कभी काम करते करते सो जाती है। कल क्या आज भी मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जाओ बेटा उस बेड पे जाके कूद जाओ, बेड भी आपका और माँ भी आपका। रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है ना, तो क्यों ना हम उसे ही अपने रास्ते से नहीं विद्या के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना होगा, और उसकी कमजोरी उसका परिवार है। अभिषेक अवस्थी मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर में पत्नी की दर्जे से लाए हो, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे इस पूरे घर की गंगू में बना के रख दिया। क्यों क्यों क्यों? ये डेली सोप वाली एक्टिंग है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे क्या बात करूं, और इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम? ऐसा क्या कर दिया तुमने? और औरतों का तो काम होता ना घर समेट के रखना, तो इसमें एटीट्यूड क्या दिखा रही हो? अत्यंत निम्न कक्षा का तर्क दिया है तुमने अभी। तुम ससुर पहले टसुआ बहा लो, चार रिपोर्ट लिखा लो। तो लिखी ने रिपोर्ट किसने रोक रखा है? आपका हाथ लिखी है। खोने वाले की पहचान कछु
पीठ के बाईं तरफ तिल का निशान। गौरी मैम के बाईं तरफ कहाँ है? तिल तो दाईं तरफ है, बाईं तरफ तो मस्सा है। तुम कहाँ हो बेबी? हम लोग मसूरी से 55 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, एक गेस्ट हाउस है, गुमनाम गेस्ट हाउस, वहीं पर ठहरे। कैसे लगी आपको? वो राजनी का है, कटोरी में है, वही ढूंढ रही थी। ऐसा झूठ क्यों बोल रही हो तुम?